बलिया बेलोन प्रखंड की चंद्रहर पंचायत के अलहंडा खारी गांव में ग्रामीणों ने दो चोरों को उस वक्त दबोच लिया जब 5 की संख्या में चोर मस्जिद में चोरी करने की नीयत से घुसे और मस्जिद से बैटरी, पंखा, हॉर्न और एम्पलीफायर को टेम्पो में रखा और भागने लगे। तभी ग्रामीणों की नजर इन चोरों पर पड़ गई। ग्रामीणों ने घेर कर दो चोरों को पकड़ लिया जबकि 3 चोर फरार हो गए। ग्रामीणों ने दोनों चोरों को बलिया बेलोन पुलिस के हवाले कर दिया। टॉर्च मारा तो चेहरे पे लोग उसको क्या पता तुम चोरी कर रहे हो, बता के चोरी करोगे? नहीं ऐसा थोड़ा, वहाँ का सरपंच क्या नहीं जानेगा वहाँ का आदमी। सामान कहाँ? सामान वही है, गाड़ी में पीछे। पेपर लेके क्या, क्या नाम है जी तुम्हारा? नाम क्या है? सोनू कुमार। लिख दो आवेदन। क्या? सोनू कुमार भगत। सोनू कुमार भगत कहाँ के रहने वाले हो? रेलवे गुमटी। रोड से बोलो। कहाँ? रेलवे गुमटी। रेलवे गुमटी कहाँ? वहीं पड़ता बगले में। अरे बारसू की कड़िया। बारसू बोलो ना, रघुनाथपुर। हाँ, और किस लिए पकड़ा गए, किस क्या कांड किए तुम? टेम्पो लेके आए थे हम। क्या करने? चोरी करने? हाँ, लड़का लोग आया था, हमको फंसा दिया। कौन आया था? क्यों आया था जी? दो बजे रात को पता था भैया कि लोग चोरी करने जाता था हम टेम्पो। तुम सम्राट को नहीं जानता है जी? नहीं, हमको ये नहीं बोला था कि हम चोरी करने। सम्राट चोर है? उसका कारकर्दगी नहीं जानता है कि वो चोरी करता है कि नहीं है। हेड कौन है? कौन है तुम लोग का गिरोह का हेड जी? सम्राट ही वही लही लड़का था, उसका नाम अशोक भी है, सम्राट भी है। सम्राट का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तुमको नहीं मालूम है? मालूम सब है, मुंह बंद हो गया। अरे पता, दोस्त जानने वाला कौन है? अपना पूरा परिचय दो, क्या नाम है तुम्हारा? बोले तो सोनू कुमार भगत। सोनू कुमार भगत। पिताजी का नाम? सुरेन भगत। सुरेन भगत। सुरेन भगत। और पता बताओ पूरा। बताए वो रेलवे बारसोई। बारसोई गुमटी के पास। और तुम्हारा और कौन कौन साथी है? मेरा कोई साथी नहीं है। नहीं, जैसे जो लेके आया था, जो लेके आया था उसका क्या परिचय? बोले तो अरे सम्राट का बाप का नाम क्या है जी? उसको पता है। सम्राट का बाप का नाम क्या है? बोला तो अशोक। आवाज नीचे करके बोलो भाई। जनार्दन। ढंग से बोलो, ढंग से तेवर मैंने बोलोगे। जनार्दन कहाँ का रहने वाला? जनार्दन सब वही अगल बगल के हो तुम लोग? मेरा घर वो टोला हुआ, इसका घर। तुम्हारा कौन टोला हुआ? और तुम्हारा नाम क्या है? छोटू। छोटू असल नाम छोटू है? किसका बेटा हो? सुरेश मंडल। सुरेश मंडल का। कहाँ के रहने वाले हो? बारसोई का। बारसोई में कहाँ जी? छोटा रघुनाथपुर। छोटा रघुनाथपुर में। छोटा रघुनाथपुर। कौन सा टोला? पश्चिम टोला। पश्चिम टोला। तो क्यों पकड़ा गए? चोरी करने में इन लोग के साथ आए थे। चोरी करने में इन लोगों के साथ? अभी चोरों का साथ देना तो तुम गैंग हुआ ना? नहीं भैया, हमको बना करके लेके आया, बोले सवारी है, चलो काम क्या करते तुम लोग? चोरी के अलावा कौन सा काम करते हो जी? इधर बताओ, इधर बताओ। क्या है, क्या काम है, क्या काम करते हो? टेम्पो चलाते हो? टेम्पो को, अपना टेम्पो को तुम इसे क्रिमिनल काम में, एक्टिविटी में इस्तेमाल करते हो जी? टाइम से मार पड़ा तो तुम्हारा आज तो रंगे हाथ पकड़ा गया। गलती से पकड़ा गया ना भैया हमको? गलती से कैसे पकड़ा गया? यही बोलता है ना, गलती से पकड़ा गया भैया। हर चोर ये बोलता है कि मैं बेगुनाह हूँ, पहली बार क्या गलती से पकड़ा गया? हवाले कीजिए इसको, थोड़ा टाइम देना होगा सर। अच्छा, आप बलिया बेलोन थाना से हैं? बलिया बेलोन थाना से। बाढ़ से रघुनाथपुर के चंद चोर पकड़ा गए हैं, इसके कुछ साथी भाग गए हैं। मस्जिद में एम्पलीफायर और वगैरह वगैरह चोरी कर रहे थे, ग्रामीण घेरे हुए हैं। इस घटना को लेकर मुखिया प्रतिनिधि सह अधिवक्ता रागीत सदर ने बताया कि इस तरह की घटना अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों में होती रहती है। फिलहाल पुलिस ने चोरी के सामान को वापस मस्जिद में रखवा दिया और दोनों चोरों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही तीनों चोरों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।